हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए मैम नहीं 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 बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं गया था वेट कर रहे थे जस्ट आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ई का एक तरीके से पूरा मॉडल पेपर है ये मॉडल पेपर है ई के क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर है ये ई का पूरा मॉडल पेपर है ई मॉडल पेपर है ये तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और ये जो मुनमुन ब्लॉग्स है इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं ऐसे भी तो सॉरी मुनमुन ब्लॉग्स पर जा सकते हैं और आप सभी की क्लासेस जो चल रही है मॉर्निंग में नौ बजे हैं दोपहर के अच्छा ये क्लास की जो टाइमिंग है ना ये दस बजे कर लीजिए ये दस बजे हैं मॉर्निंग में दस बजे हैं दोपहर के दो बजे हैं और शाम के छः बजे होती है यूपीटेट स्पेशल क्लास है वैसे यूपीटेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं टेट यूपीटेट सभी के सब्जेक्ट एक ही हैं और रात में आपकी जो नौ बजे की क्लास दस बजे की क्लास थी वो नौ बजे हो चुकी है ये है और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं वन डे एग्जाम टारगेट ठीक है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं चलिए हाँ नोटिफिकेशन बाद में नेटवर्क वगैरह या फिर आप जुड़े नहीं होंगे क्या है टेलीग्राम पे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है टेलीग्राम पर सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है इसलिए हमेशा कहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से हाँ रुको शेयर कर लो शेयर करिए जल्दी से शेयर कर दिया संजय कुमार थैंक यू थैंक यू चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही आसान से क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं वायुमंडल है जलमंडल है पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर इकोटेन हाँ बिल्कुल सही है विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान जो गैसों का संगठन है या समूह है ये क्या कहलाता है वायुमंडल वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, है कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें पाई जाती हैं अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों के स्थायी गैसों के संगठन में कौन कौन सी गैसें शामिल है शाम स्थायी गैसों के संगठन में स्थायी गैसों के संगठन में कौन कौन सी गैसें शामिल है स्थायी गैस में कौन कौन सी आ रही है स्थायी गैस में कौन कौन सी आ रही हैं स्थाई गैसों में आती है आपकी नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि इनके संगठन में बदलाव जो होता है कम पाया जाता है इनके संगठन में बदलाव बहुत कम पाया जाता है बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है इसलिए इन्हें हम अस्थाई गैसे कहते हैं ठीक है स्थायी गैसे कहते हैं आगे बढ़ेंगे सतत विकास के लिए आवश्यक है सतत विकास आपको मैंने बताया सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या है जैव विविधता का संरक्षण है प्रदूषण का निषेध और नियंत्रण है अर्दभूमियों का संरक्षण है उपरोक्त सभी है आगे बढ़िए जल्दी से हाँ बिल्कुल सही है विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा शाबाश विकल्प यहां पर आपका डी सही हो जाता है देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण प्रदूषण को रोकना और उसका नियंत्रण करना आर्द भूमियों का संरक्षण ये सभी अनिवार्य रूप से आवश्यक है आपको बताते चलते यहां पर सतत विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था 1990 में 1991 में 1992 में या फिर 1994 में कब हुआ था हां आगे देखिए यहां पर कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था किस वर्ष हुआ था तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्नीस सौ बानवे में हुआ था नाइनटीन नाइनटी टू में हुआ था नाइनटीन नाइनटी टू में हुआ था और कहां पर हुआ था ब्राजील में हुआ था ब्राजील में किस स्थान पर हुआ था ब्राजील में कहा पर हुआ था आप लोग बताइए ब्राजील में कहा हुआ था ब्राजील में कहा हुआ था ब्राजील में कहा पर हुआ था बिल्कुल सही है रियो डी डिजिनेरियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है कार्बन चक्र है नाइट्रोजन चक्र है हाइड्रोजन है या फिर जल चक्र है आगे बढ़ी सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि देखिए बिल्कुल नोटिफिकेशन पै नोटिफिकेशन गया ही नहीं है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है कार्बन चक्र है नाइट्रोजन चक्र हाइड्रोजन चक्र या फिर जल चक्र है इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी सी होता है जल है जल चक्र में सौर विकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रीजन है देखिए सौर विकिरण जो है सौर विकरण कहीं पर पानी है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और साथ ही साथ में जल का वाष्पीकरण भी करता है वाष्पीकरण करता है और वाष्पीकरण करने के साथ ये फिर जब ऊपर ये वाष्प बन करके जाती है तो फिर ये बाद में ये बादल बनाती है फिर उसके बाद से जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो बूंदे बनकर के नीचे आ जाती हैं संघनन किसे कहते हैं जब भी कोई जैसे गर्म होकर के भाप उड़ी है तो जो भी यहाँ पे भाप गई है ये अभी गर्म अवस्था में ही है जैसे थोड़ा सा ठंडा वातावरण होगा तो जो गैसें हैं वो से वो ठंडी होकर के द्रव के रूप में जब नीचे गिरती है इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन कहा जाता है करेक्ट है तो वर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जो चक्र की मतलब विभिन्न गतिविधियों को बताता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्न में से सिरक्को है सिरक्को क्या है ज्वालामुखी है स्थानीय पवन है द्वीप है या फिर रेगिस्तान है सिरक्को क्या है <coughs> नहीं कोई काम नहीं था हमें तो कोई काम नहीं का, काम किस बात का है आज हम तो सो के उठे हैं। निम्न में से सिरक को क्या है निम्न में से सिरक को क्या है देखिए डेली नौ बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा नोटिफिकेशन जाए या ना जाए और वैसे भी आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत बकवास टाइप का है एकदम ही बेकार है ज्वालामुखी स्थानीय पवन है द्वीप है रेगिस्तान है विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा सिरक को सिरक को विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी ये स्थानीय पवन है सिरक को स्थानीय पवन है ठीक है सिरक को कैसी पवन है गर्म है सिरक को एक गर्म है, शुष्क है गर्म है, गर शुष्क है और साथ ही साथ में धूल से भरी हवा होती है और ये बहती कहां पर है सहारा के रेगिस्तान सहारा के रेगिस्तान के ऊपर मतलब उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली और स्पेन तक ये प्रवाहित होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इटली और स्पेन तक ये प्रवाहित होती है चलती जाती है और ये कहाँ से उठती है सहारा रेगिस्तान से लेकर के भूमध्य सागर की ओर ये बढ़ती जाती है आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं सिरक्को पवन के साथ लाल रेत लाल रेत की मात्रा उड़ती जाती मतलब ये ज़्यादा इसके साथ पवन के साथ लाल रेत उड़ती रहती है ठीक है जब ये भूमध्य सागर से गुजरते हुए दक्षिण इटली में वर्षा करती है ना तब इसे रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तब इसे रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है ठीक है रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि इसके साथ लाल रेत भी उड़ती रहती है क्लियर है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चक्रवातों की आकृति नहीं होती है चक्रवातों की आकृति नहीं होती कैसी नहीं होती है अंडाकार है गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, या फिर कीपाकार है चक्रवातों की आकृति नहीं होती कैसी नहीं होती है चक्रवातों की आकृति कैसी नहीं होती है सी से हो जाता है त्रिभुजाकार नहीं होती चक्रवातों की आकृति जो होती है सामान्य अंडाकार होती है गोलाकार होती, होती है, कीपाकार होती है त्रिभुजाकार नहीं होती अच्छा यहाँ पर देखिए जो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य चक्रवात उत्पन्न होते हैं कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं उन चक्रवातों को हम कहते हैं ऊष्ण कटिबंधी चक्रवात क्या कहते हैं ऊष्ण कटिबंधी चक्रवात कहते हैं ठीक है चक्रवात जो होते हैं सागरों के ऊपर चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं सागरों के ऊपर क्या होते हैं तेज चलते हैं लेकिन स्थलों पर पहुंचते पहुंचते ना ये कमजोर हो जाते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है कपासी है कौन सा है यहां पर देखिए और रिप्लाई करिए एक बार सभी स्ट्रेंड वीडियो को शेयर करेंगे एक बार लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से जितने लोग हैं उतने लाइक और शेयर करेंगे एक बार हाँ, चलिए जल्दी से बिल्कुल विकल्प विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है वर्षा स्त्री अत्यधिक तीव्र वर्षा जो करते हैं वो होते हैं वर्षा स्त्री होते हैं ठीक है अब यहां पर आपको बताते चलते हैं यूपीएसआई का ना यूपीएसआई का आज न्यूज में था यूपीएसआई का आज न्यूज में था चलिए जो भी वैकेंसी आएगी उसको हम स्टार्ट करेंगे चलिए यहाँ पर देखिए ये विकल्प आपका डी से होता है वर्षा स्तरीय होते हैं जो धरातल के नजदीक पाए जाते हैं ना काले बादल काले रंग के जो घने बादल होते हैं वो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं और विभिन्न आकारों के होते हैं और ना ये अपनी सघनता मतलब बहुत ज्यादा ये भारी भारी से रहते हैं अपनी सघनता के कारण धरातल पर अंधकार लाते एकदम से इतने सघन होते हैं कि पूरा अंधेरा सा छा जाता है अंधकार ला करके ये घनघो और वर्षा करते हैं तो वर्षा स्तरीय आपका विकल्प डी से ही होता है हमारा अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम एम की शुरुआत हुई थी कब उन्नीस में इकहत्तर में तिहत्तर में या फिर पचासी में आगे देखिए मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम एम ए बी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसकी शुरुआत कब हुई थी उन्नीस सौ इक्यानवे में तिहत्तर में पचासी में विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है उन्नीस सौ इकहत्तर नाइनटीन वन यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य के संबंधों में सुधार लाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी 1971 में हुई थी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है भूमंडल के सभी महासागरों का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता भूमंडल के सभी महासागरों का औसत तापमान कितना होता है सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड सत्रह डिग्री चार डिग्री या फिर नौ डिग्री सेंटीग्रेड बिकल बी आपका सही होता है सत्रह डिग्री सेंटीग्रेड होता है भूमंडल के समस्त महासागरों का जो औसत तापमान होता है सत्रह डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और आपको यहां पर बताते चलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध के महासागर होते हैं इनका औसत तापमान बीस डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का जो औसत तापमान होता है पंद्रह दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड होता है ठीक है उत्तरी गोलार्ध में बीस डिग्री सेंटीग्रेड होता है दक्षिणी गोलार्ध में पंद्रह दशमलव पाँच डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड होता है आगे क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन विषय में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होता है पर्यावरण अध्ययन विषय में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कौन सा विकल्प आपका सही होगा समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है शिक्षार्थियों की कमियों को पहचानना पर्यावरण दिन अब हमारे बिकल की तरफ मत जाइएगा अरे भाई चारों में से यहां पर उपरोक्त सभी नहीं दिया है ध्यान दीजिएगा मुख्य लक्ष्य मुख्य लक्ष्य क्या है भाई मुख्य लक्ष्य आपको बताना है कौन सा सही होगा <laughs> मुख्य लक्ष्य चलिए विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है कौन सा विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना ठीक है विकल्प आपका बी सी होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना देखिए अधिकम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है इसके कारण जो छात्रों की पर्यावरण संबंधी ना विषयों को जानने में रुचि उत्पन्न होती है और वे पर्यावरण अध्ययन संबंधी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक, कारक नहीं है आपको बताने कौन सा अजैव कारक नहीं है कौन सा अजैव कारक नहीं है जल है तापमान है अपघटक है सूर्य का प्रकाश है इसमें विकल्प हमारा सही हो जाता है विकल्प सी अपघटक है अजैव नहीं है ये जैविक है जो होते हैं ये बायोटिक फैक्टर होता है पेड़ पौधे हुआ जंतु हुआ अपघटक, ये सभी जैविक या फिर जैव कारक में आते हैं जबकि जल हुआ तापमान हुआ सूर्य का प्रकाश हुआ खनिज पदार्थ है ये सभी पर्यावरण के अजैव उसमें अजय कारक में आते हैं अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं है वन संरक्षण है जल संरक्षण मृदा या फिर राजनैतिक संरक्षण है विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा विकल्प आपका डी सही होता है राजनैतिक संरक्षण है राजनैतिक संरक्षण को पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है जबकि यहाँ पर वन संरक्षण है जल संरक्षण है मृदा संरक्षण है ये पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है आवश्यकता का सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर उपरुक्त सभी है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है विकल्प आपका डीसी हो जाता है आवश्यकता का सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत हैं ठीक है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए या फिर किस चीज के लिए विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प यही पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए विकल्प आपका ए सही होता पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ठीक है ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए ग्लोबल 500 सौ पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है आप लोग वीडियो को शेयर तक नहीं कर पा रहे ना यह पुरस्कार वर्ष नाइनटीन एटी सेवन उन्नीस उन्नीस सौ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यू एन ई पी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्थापित किया गया था जो पर्यावरण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व मौसम विज्ञान विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर चलिए विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा सही होता है जिनेवा है। अगला क्वेश्चन है जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह संयुक्त तो राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है इस संगठन की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 23 मार्च कब हुई थी 23 मार्च 1950 को तो हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कहा पर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ऐसे तो ना तो आपका मेरा तो मोटिवेशन बढ़ेगा ही नहीं आपका भी नहीं बढ़ेगा पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया आप कहीं पर भले ना जुड़े हो नोटिफिकेशन नहीं गया हो लेकिन उसके बाद टेलीग्राम पर जुड़े होंगे कोई बफरिंग नहीं हो रही आते ही तमाशा खुद शुरू कर देते हैं कोई बफरिंग नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहा पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया मार्क है वाटर मार्क है आई एस आई आए, आईएसआई आए मार्क है या फिर एग मार्क है यहां पर देखिए यह हमने ईवीएस का जब क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर बताया था तो यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प आपका ऐसे ही होता है इको मार्क है इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 से प्रदान किया जा रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स हमारा अगला है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है तालाब और दलदल है झरना और नदी है तालाब और नदी कौन सा सही होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है तालाब और दलदल विकल्प आपका ए सही होता है तालाब और दलदल है स्थिर जल की आवास को हम कहते हैं लैंटिक आवास इसे हम लैंटिक आवास की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं इसमें एग्जाम्पल आता है जो लैंटिक आवास होता है अलंटिक आवास में आता है आर्धभभूमि तालाब है झील है स्थिर जलाशय होते हैं, ठीक है? और जो बहता हुआ जल होता है बहते जल के आवास को कहते हैं लोटिक हैबिटेट, लोटिक, लोट लोट के ये पानी बहता रहता है लोटिक हैबिटेट कहते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा नदी है अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस दिशा देश में पाए जाते हैं विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं कनाडा है, है संयुक्त राज्य अमेरिका है रूस है ब्राजील है <laughs> अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र नहीं हमें बस एक चीज लगता है कि आप लोगों में जो एनर्जी है जोश है ना जच नहीं रहा है कुछ आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये किस में पाया जाता है विकल्प आपका सी से होता है रूस में पाया जाता है उसके पश्चात किसमें जाता है ब्राजील में ब्राजील का नंबर आता है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार के वनों में किस प्रकार के वनों में पादपों और जीवों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है किस प्रकार के वनों में पादपों की और जीवों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? है तो इसका सही जवाब क्या होगा हो उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में उष्ण कटिबंधी उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में क्या होता है, है? इसकी पादपों की और जीवों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है करेक्ट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, है। निम्न में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है निम्न में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं अम्लीय वर्षा ग्रीन हाउस गैस है वन अपरूपण है ओजोन परत क्षरण है निम्न में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है विकल्प यहां पर आपका सी सही होता है वन अपरोपण है वन अपरोपण को वैश्विक नहीं लेकिन स्थानीय पर्यावरण समस्या माना जा सकता है क्योंकि इसका कोई वैश्विक प्रभाव तो होता नहीं है लेकिन अमली वर्षा ग्रीन हाउस गैस ओजोन परचर क्षरण इन सभी का विश्व स्तर पर यानी कि वैश्विक तापमान पर प्रभाव पड़ता है तो इस तरीके से विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्याएं ये सभी उत्पन्न करते हैं निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बुशमैन कालाहारी है खिरगीज मध्य यूरोप सेमांग मलेशिया मसाई पूर्वी अफ्रीका है चलिए जल्दी से बताइए विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा तो विकल्प यहाँ पर हम बढ़ेंगे बी की तरफ है विकल्प बी सही होता है बुशमैन कालाहारी बिल्कुल सही है देखिए जो खिरगीज़ हैं मध्य एशिया के ऊंचे पठारी प्रदेश में रहते हैं जिनका मुख्य निवास किधर की तरफ होता है मध्य यूरोप ना होकर के मध्य एशिया है इनका इसका सही जवाब हो जाता है मध्य एशिया तो इस तरीके से विकल्प आपका बी सही होता है मध्य यूरोप ना होकर के मध्य एशिया होता है तो मध्य एशिया में इनका मुख्य निवास जो होता है किर्गिस्तान है क्या है किर्गिस्तान है जो पहले सोबियत संघ का हिस्सा था और ये अन्य में सुमेलित बुशमैन कालाहारी में सेमांग मलेशिया मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है आगे विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है पचपन प्रतिशत उनतालीस है तैतीस है या फिर उनचास प्रतिशत है विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है पचपन प्रतिशत तैतीस उनतालीस या फिर उनचास प्रतिशत है विकल्प यहां पर आपका सी सी हो जाता है तैतीस प्रतिशत है विश्व का लगभग एक तिहाई एक तिहाई भाग जो तैतीस प्रतिशत है शीत और शुष्कता के कारण ठंडे प्रदेश की वजह से भी और एकदम से गर्म प्रदेश की वजह से भी ये रहने के लायक नहीं है अनुपयुक्त मतलब। है मतलब ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कौन कौन से पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट है पश्चिमी हिमालय व कक्ष कारण है पूर्वी हिमालय या फिर पश्चिमी घाट है कौन सा विकल्प आपका सही होगा चलिए जल्दी से बताइए विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा हॉटस्पॉट जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं तो यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है सी है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण है तो स्वस्थान पद्धति में नहीं है इन सी टू में नहीं है तो सबसे पहले आपको इन सी टू कंजर्वेशन इन सी टू और एक्स सी इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इन सी और एक्स सी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो फिर आप इसकी रिप्लाई कर पाएंगे इन सी टू और एक्स टू वन संरक्षण हेतु विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है वानस्पतिक उद्यान वोटैनिकल गार्डन विकल्प आपका बी सी होता है तो वनस्पति संरक्षण हेतु जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं ये इन सी टू पद्धति के अंतर्गत नहीं आते हैं जबकि ये जी मंडल आरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय पार्क है वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सभी किसमें आते हैं इन सीटू के अंतर्गत आते हैं आगे बढ़ेंगे अगला अगर इन सी टू और एक्स टू का कॉन्सेप्ट आपको जानना हो तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा अगला क्वेश्चन है सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण से होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण से होती विकल्प है पृथ्वी के ऊपरी परत के सिकुड़ने से चक्रवातों से समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से या फिर ज्वार भाटे से चलिए आगे यहां पर आपका सही हो जाता है सुनामी जो थी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की एक तरीके से सी पूरी सीरीज ही होती है जो महासागरी एकदम नितल के निकट या उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है तो सुनामी महासागरी नितल पर भूकंप भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी उद्गम हो तब ये सुनामी पैदा होती है खाली भूकंप भी नहीं है कुछ और भूस्खलन हो जाए या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो उससे ये पैदा होती है अगला क्वेश्चन मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है आगे देखिए हम्म मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है बिल्कुल सही जवाब विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष यहाँ पर पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है ठीक है तो आपको बताते चलते हैं, मौसम परिवर्तन का जो सबसे मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री का झुकाव है इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी भूमिका रहती है और घूर्णन गति के कारण जो होता है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्या होता है दिन और रात का होना पाया जाता है करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन थैंक यू एक डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी कितना समय लेती है एक डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी कितना समय लेती है एक डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी कितना समय लेती है चौबीस घंटा चार मिनट तीन सौ दिन या फिर साठ मिनट है एक डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है विकल्प यहां पर आपका बी ही हो जाता है चार विकल्प यहां पर बी ही हो जाता है देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है यानी कि 360 360 डिग्री घूमने में कितने देर लगाती है 24 घंटे का समय 24 घंटे लगाती है यानी कि पृथ्वी एक घंटे में ठीक है एक घंटे में 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी अगर मैथ की कैलकुलेशन तेज है तो फटाफट से बताइए 24 घंटे में कितने मिनट होते पहले तो ये बताइए एक घंटे एक घंटे में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साठ कॉफी नहीं काढ़ा है देखिए तो एक अगर हम कहेंगे एक घंटे में यानी कि एक घंटे में साठ मिनट होते हैं साठ में कितना समय लगाएगी फिर पंद्रह डिग्री ये घूमेगी बिल्कुल पंद्रह डिग्री ये घूमेगी ठीक है और इस प्रकार जब एक देशांतर एक देशांतर एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में चालीस मिनट का समय लगा सॉरी चार मिनट के ही समय लगाएगी कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेशन भी ना आए तो बता दीजिएगा और भारत का जो प्रमाणिक समय लिया गया है कहाँ से लिया गया भारत का प्रमाणिक समय कहाँ से लिया गया है ये साढ़े ब्या साढ़े बयासी डिग्री लिया गया है पूर्वी देशांतर से लिया गया और ये रेखा प्रयागराज के निकट से ये गुजरती है बहुत बढ़िया संजय कुमार इसकी जो दूरी होती है एक किलोमीटर होती है बहुत बढ़िया ये भी सही है पूछा गया है सही बोली ना मैं ने देखा ही नहीं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है कौन सा युग में सही <laughs> निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही होगा ध्यान से देखिए बेसाल्ट आग्नेय है ध्यान से देखिए बेसाल्ट ये बेसाल्ट आग्नेय आग्नेतरित स्लेट औसादी है ग्रेनाइट आग्नेय है कौन सा सही होगा विकल्प सी सही हो जाता है सही सुमेलित नहीं विकल्प सी स्लेट जो है औसाधी ये औसाधी चट्टान नहीं है स्लेट औसाधी नहीं है तो फिर विकल्प आपका कौन सा सही है स्लेट औसाधी नहीं है तो कौन सी चट्टान है यहां पर मैंने बता दी ये सही नहीं है तो आपको बताना है कि कहा तो फिर ये सही कौन सा है स्लेट एक कैसी चट्टान है ये रूपांतरित चट्टान है स्लेट क्या है रूपांतरित चट्टान में आती है जिसका निर्माण स्लेट का निर्माण शैल शैल नामक रूपांतरित चट्टान से होता है जो कि अति रूपांतरण का नतीजा है कि ये स्लेट बन जाती है कोयला और चूना पत्थर औषाधि शैलों के उदाहरण है कोयला और चूना पत्थर जो होता है औषाधि शैल का उदाहरण है और बाकी ये सारी सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है फ्यूजियामा है बैरन है एकांका गुआ है एटना है अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी अगर सारे बच्चों का खराब हो गया ना तो फिर तो मेरा खराब है अगर सारे बच्चों का नहीं खराब है तो फिर तो आपका खराब है <laughs> विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी यहां पर हमारा विकल्प सी से हो जाता है एकांका एक गुआ है विकल्प आपका सी से होता है एकांका एक गुआ है देश संकट में लाइट बिजली बचाइए बिजली तो यहाँ पर एकांका एक हुआ विकल्प आपका सही सही होता है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांका हुआ है और शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल में आपका इधर भी आता है पोपा है पोपा है और को सुल्तान और दामवंद ये सभी शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है ये जो पोपा है ना पोपा कहाँ का है म्यांमार का है बर्मा का और को सुल्तान जो है ये ईरान का है एटना जो है एटना यह भूमध्य सागर के सिसली के पूर्वी तट पर है और फ्यूजियामा जो है जापान पर और बैरन जो है यह अंडमान द्वीप पर स्थित है करेक्ट अगला क्वेश्चन भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है हरियाणा पंजाब है विकल्प आपका कौन सा सही होगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है उत्तर प्रदेश है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश है सेकंड नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर थर्ड स्थान पर आता है पंजाब है ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है एटा है इटावा है गोरखपुर है हमीरपुर है अर्जुन बांध विकल्प डी आपका सही होता है हमीरपुर है अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है और अर्जुन नदी महोबा जिले में एक जगह है चरखारी है। आप लोग महोबा का कोई है तो चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और ये 1957 फिफ्टी सेवन में उन्नीस सौ में पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था और अर्जुन बांध की जो लम मतलब लगभग लगभग लंबाई बयालीस किलोमीटर है ये पूरी बयालीस किलोमीटर बांध की लंबाई थोड़ी ना होगी क्या होगी शैल में कन्फ्यूजन रहता है कोई ट्रिक की वीडियो बना दो ठीक है बिल्कुल तो इतने एरिया को ये सिंचित करती है भाई महोबा और हमीरपुर जिलों की अधिकांश भूमि को ये सिंचित करती है देखिए हमें ये जो है महोबा और हमीरपुर अगर विकल्प में आपके दोनों आता तो दोनों पे आप फोकस करिएगा लेकिन यहाँ पर देखिए हमीरपुर है तो विकल्प हम डी की तरफ बढ़ेंगे और क्योंकि ये महोबा जिले में है तो वहां के भूभाग को जरूर सिंचित करती होगी अगला है सरसों के बीज के सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है मतलब जो मिलावट होती है वो किसका प्रयोग होता है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है पपीता का बीज है धनिया है आरजीमोन है अमरूद का बीज है तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है सी मोन का बीज है विकल्प आपका सी सही होता है सरसों के बीज के अप मिश्रक के रूप में सामान्यतः मोन का बीज प्रयोग किया जाता है सरसों के तेल में मिलावट की जाती है अच्छा सरसों के तेल में इसकी मिलावट से एक बीमारी होती है बीमारी का नाम आप बताएंगे सरसों के बीज सरसों के तेल में इसका मतलब मिश्रण करने से ये मिलावट होने से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है ड्रॉप सी नामक बीमारी हो जाती है ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट है और जितना भी आपको डिटेल में बताया है वो भी इम्पॉर्टेंट है वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पूछने के चांसेस होते हैं तो आप लोग अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मनमुल ब्लॉक्स है उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहाँ जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमें देख सकते हैं डेली आप सभी की क्लास मॉर्निंग में नौ बजे होगी दोपहर के दो बजे होती, होती है और शाम के छः बजे होती है और रात के नौ बजे होती है ये चार क्लासेस आपकी हैं चारों आप, है, चारो आप लोग ज्वाइन किया करिए और साथ ही साथ में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं वन के बाद एक लिखिए डे एग्जाम टारगेट ठीक है ये है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आज का है रिविजन करते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं विकल्प आपका ये सही होता है वायुमंडल सतत विकास के लिए आवश्यक है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है तो यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है उपरोक्त सभी है ठीक है आगे बढ़ेंगे सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है सौर विकिरण की भूमिका किस चक्र में सर्वाधिक होती है विकल्प आपका डी से होता है जल चक्र में ठीक है आगे बढ़ेंगे अरे आर्जीमोन एक पौधा है पौधा उसका बीज होता है अरे जो ना वो आर्जीमोन आप जानते होंगे आर्जीमोन मैक्सिकन है जिसे अपने गांव में पता नहीं वो कांटे जैसा नहीं होता कांटे ऐसे ऐसे उसकी पत्तियां होती ऐसे 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 ऐसी पत्तियां होती पीला पीला सा फूल होता है चिपक जाता है काट लेता है भड़भंडा पता नहीं क्या गांव में बोलते हैं भाई कुछ ऐसे भड़भड़ो पता नहीं क्या है कुछ मतलब पीले रंग का उसका फूल होता है ऐसे ऐसे और पतला सा ही होता है हम लोग छोटे से जब थे तो उसके ये फूल को नोच करके उसकी ऐसे ऐसे फूल पे मारते थे तो आवाज़ करता था पे पे बजाते थे वो था और ये काटता था एकदम से चिपक मतलब ऐसे रहता था बहुत बड़ा सा नहीं होता छोटा सा पौधा है ये आप लोग जानते होंगे ये सरसों के तेल में इसका जो बीज मिलाया जाता है यही बहुत नुकसान देता है कभी कभी इसका सत्यानाशी भी कहते हैं सत्यानाशी सत्यानाशी पौधा तो ये चीजें ये मतलब हाँ जो भी है मुझे नहीं पता है अलग अलग कहा जाता है अब ये पर्यावरण का पूरा हम टॉपिक पूरा एक तरीके से मॉडल पेपर करवा रहे हैं अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए अगला है निम्न में से सिरक को है निम्न में से सिरक को क्या है डेली हम कहते हैं नौ बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग कहा सोते रहते हैं नोटिफिकेशन जाए या ना जाए आगे देखिए हम्म सिरक को विकल्प आपका बी से होता है स्थानीय पवन है विकल्प आपका बी से होता है स्थानीय पवन है।, है, है चक्रवातों की आकृति कैसी नहीं होती है चक्रवातों की आकृति नहीं होती विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है त्रिभुजाकार विकल्प आपका सी से होता है त्रिभुजाकार हम्म अगला क्वेश्चन कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है अच्छा इसको अभी ना कम्युनिटी पर इसकी फोटो हम डालते हैं यहाँ पर कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है विकल्प यहाँ पर डी सी हो जाता है वर्षा स्त्री होता है यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम एम ए बी की शुरुआत कब हुई थी विकल्प यहां पर आपका बी सही हो जाता है 1971 में भूमंडल के सभी महासागरों का औसत तापमान कितना होता है विकल्प आपका बी सही हो जाता है 17 डिग्री सेंटीग्रेट पर्यावरण अध्ययन विषय में एक अच्छे दत्त्य कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है अजैव कारक विकल्प सी अवघटक अवघटक में आपके जीवाणु कवक के सारे आते हैं तो ये अजैव कारक नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं है कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं है तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है राजनैतिक संरक्षण है विकल्प आपका डी सही होता है राजनैतिक संरक्षण है पर्यावरण अध्ययन के, के अधिगम का सिद्धांत कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है पर्यावरण के अध्ययन का पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है विकल्प डी ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं विकल्पीयोता पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है विकल्प जेनेवा है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया विकल्प एक इको मार्क स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है तालाब और दलदल है विकल्प आपका ऐसे सही होता है तालाब और दलदल है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं विकल्प सी सही होता है रूस है। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है निम्न में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या कौन सी नहीं है विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या कौन सी नहीं है चलिए विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है वन अपरूपण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बेकल बी से होता खिरगीज मध्य एशिया से बिलोंग करते मध्य यूरोप नहीं है वुशमैन कालाहारी है सेमांग मलेशिया है, सही है मसाई पूर्वी अफ्रीका ये भी सही है अगला विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग लगभग निर्जन है अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है विकल्प सी सही होता है 33 प्रतिशत है कितना है 33 प्रतिशत एक बटा तीन के करीब है एक तिहाई जिसे कहते हैं एक तिहाई भाग भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल, यानी कि हॉटस्पॉट कौन से हैं विकल्प सी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान नहीं है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है विकल्प बी वनस्पति उद्यान सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है विकल्प आपका सी सही होता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण विकल्प डी सही होता है यहां पर ये देखिए पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है एक डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी कितना समय लेती है ठीक है यहां पर विकल्प हमारा बी सही हो जाता है चार मिनट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है विकल्प यहां पर सी सही हो जाता है स्लेट और शायदी ना होकर कैसी है रूपांतरित है और ये किससे रूपांतरित होती है शैल शैल नामक रूपांतरित चट्टान से ही ये बनती है अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च शांत विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है सी एकांका गुआ है ठीक है एटना कहां पर है भूमध्य सागर के सिसली के पूर्वी तट पर है और फ्यूजियामा जापान में है बैरन जो है अंडमान द्वीप पर स्थित है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य विकल्प यहां पर आपका बी से हो जाता है उत्तर प्रदेश है दूसरे नगर दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका पंजाब है अगला अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला विकल्प डी महोबा और हमीरपुर है सरसों के बीच के अपमिश्रक के रूप में सामान्यता किसका प्रयोग होता है सरसों के बीच के अपमिश्रक के रूप में सामान्यता किसका प्रयोग होता है पपीता का बीज है आरजी मोन है अमरूद का है विकल्प कौन सा सही होगा इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होता है आरजी का बीज है चलिए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज का सवाल आप सभी के लिए आज का सवाल है एम ए बी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी दूसरा क्वेश्चन यू एन ई e. डी पी इसका फुल फॉर्म तीसरा क्वेश्चन यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पर है चौथा है हॉट स्पॉट है कितने हैं हॉट स्पॉट्स कितने हैं विश्व में पूरे पांचवा क्वेश्चन मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है ये पांच क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ठीक है मिलते हैं फिर मॉर्निंग